तो डर स्टूडेंट्स इस आज की क्लिप में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको डिस्कस करेंगे और डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ये वो प्रॉपर्टी है जो कि डेंसिटी से रिलेटेड है डेंसिटी बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद मिनरल्स ओके सो तो जो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं या डिफाइन करते हैं दैट इज़ एक्चुअली डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज़ इट्स वॉल दिस मॉस पर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस मे भी डिफाइनड एज द मॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस ओके जब हम इसको कोई भी सबस्टेंस लीजिए आप जिस तरह हम पापुलेशन डेंसिटी निकालते हैं या किसी क्रॉप की डेंसिटी निकालते हैं इसी तरह यहाँ पर हम किसी मिनरल की भी जो है डेंसिटी जो है डिटरमाइन करते हैं लेकिन मिनरोलॉजी में जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ करते हैं या रिलेटिव डेंसिटी लेकिन डेंसिटी टर्म बहुत कम यूज़ की जाती है या अप्लाई होती है तो so, डेंसिटी किसी भी सबस्टेंस मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ इन ग्राम्स पर सी सी दैट मीन ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स ओके मीनज तीनों जो एक्सीज हैं अगर वो एक एक सेंटीमीटर के बराबर हम लेते हैं यूनिट लेते हैं वन सेंटीमीटर यूनिट हम वन फीट वन फीट वन फीट भी ले सकते हैं यहाँ पर क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है सेंटीमीटर लिया जाता है वन सेंटीमीटर में कितने आइटम्स होंगे पर क्यूबिक सेंटीमीटर उसी को हम कहेंगे उसका वॉल्यूम वो निकलेगा लेंथ ब्रेड एंड हाइट सो so, ये तो डेंसिटी की डेफिनेशन है क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस होती है तो लेकिन मिनरोलॉजी में जो हम जब भी किसी मिनरल की डेंसिटी एक्सप्रेस करते हैं वो हम उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ओके इट इज़ यूज मोर फ्रिक्वेंटली दैन डेंसिटी और क्योंकि जब हम मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं वो हम रेशो लेते हैं एक्चुअली वो एक्चुअली रेशियो होता है जिस तरह यहाँ पर हमने एयर में किसी सबस्टेंस का डेंसिटी किसी की देख ली ओके okay. लेकिन यहाँ पर जब किसी मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिटरमाइन या डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं हम पहले उस मिनरल का वेट जो हम एयर में लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी पेन वगैरह या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ओके okay? उस उसको हम एयर में वेट करते हैं देन उसी मिनरल को फिर हम वाटर में भी जो है वेट करते हैं पहले एयर में फिर उसी को किसी पैन में हम वाटर लेते हैं उसको डिप करते हैं उसमें इमर्स करते हैं फिर हम देखते हैं कितना वेट लॉस हुआ है ओके क्योंकि वाटर में जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो मिल जाता है और वेट भी लॉस थोड़ा होता है सो एयर एंड वाटर इन दो में हम इसका जो है वेट लेते हैं तो इसलिए क्योंकि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ओके वाटर और मिनरल का जो वेट हम लेते हैं पहले एयर में फिर वाटर में एयर और वाटर यह रेशियो है फिर ओके okay. ये रेशियो बन जाता है दो चीज़ों का हम कंपेयर करते हैं रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ मिनरल एंड दैट ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड इसीलिए इसको हम जो है रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं तो सो हियर एब्सोल्यूट डेंसिटी हम नहीं मेजर करते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं इसीलिए हम जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए ओके okay. सो so, ये जो डेंसिटी है मिनरल्स की बिकॉज ये रेशियो है इस दो आ, हम एयर और वाटर में लेते हैं तो इसलिए इसका कोई यूनिट इस, इस, uh, नहीं है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है जिस तरह डिस्टेंस का है वॉल्यूम क्या है सो इट इज़ अ रेशियो सो इट सिग्निफाइज रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ए मिनरल एंड दैट ऑफ वाटर नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी मिनरल की है वो प्राइमरीली डिपेंड करती है किस पे कंपोजिशन पे ओके okay, और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बहुत सारे मिनरल्स हैं हमें और मिनरल्स भी हैं रॉक सिलिकेट्स भी हैं सिलिकेट मिनरल जैसे क्वार्ट्स है ऑर्थोक्लेस है पोटेशियम एलमिनियम सिलिकेट कैल्साइड सी थ्री ये भी मिनरल है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स दूसरे मिनरल्स हैं जो कि और फार्मिंग मिनरल जैसे आयरन कॉपर लेड ओके okay, ये भी रॉक्स में पाए जाते हैं इनको हम लेकिन और मिनरल्स कहते हैं जिससे हम मेटल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट मीन वी हैव मेटेलिक मिनरल्स एज वेल एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स उनकी भी अपनी कंपोजिशन है जैसे मेटेलिक मिनरल मेटल्स से बने होते हैं कुछ मेटल्स लाइट भी हैं जैसे एलमिनियम है लाइट है लेकिन आयरन जो है वो थोड़ा हैवियर है उसकी डेंसिटी हाई है बहुत ही कम्पैक्शन है atomic, जिस कम्पैक्शन है उसकी या अरेंजमेंट है उसकी सो so, जैसे मैं कह रहा था आपको कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड करेगी कंपोजिशन पे और एटॉमिक कॉन्स््यूशन पे ओके okay, किस तरह पैकिंग है सो so, कंपोजिशन में अगेन जैसे मैंने कहा था कि हमें मेटल हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स हैं ओके मेटलिक एलिमेंट्स हैं जो कि मिनरल बनाते हैं और नॉन मेटलिक हैं जो भी नॉन मेटलिक्स हैं जिनको हम सिलिकेट्स कह सकते हैं जो भी हमारे पास सिलिकेट्स हैं ओके नॉन मेटलिक्स का वैल्यू कम आता है नॉर्मली टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट जैसे कॉड्स को का टू पॉइंट सिक्स फाइव स्पेसिफिक ग्रेविटी है कैलसाइट का उसके आसपास बाकी सिलकेट मिनरल्स का भी ज्यादा से ज्यादा टू पॉइंट नाइन जीरो तक आता है तो ये नॉन मेटलिक्स मिनरल्स इनका वैल्यू लो होता है इट वैरिज फ्राम टू पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स वायरियज मेटालिक मिनरल्स इनको हम ओवर भी कह सकते हैं जैसे मैंने भी कहा था आयरन और कापर और बाकी गोल्ड भी है सिल्वर भी है लेड भी है तो इनकी डेंसिटी हाई है ओके एक तो आ, इनका जो डेंसिटी हाई है इसमें जो बहुत ही कंपैक्ट पैकिंग है सो जिसकी वजह से जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई आता है मोर देन फोर पॉइंट फाइव इवन अप टू गोल्ड जो है उसका नाइनटीन पॉइंट फाइव समथिंग है ओके okay? जो नेटिव गोल्ड है उसका नाइनटीन पॉइंट थ्री आता है जी पर सी सी इसी तरह गैलिना है लेड सल्फाइड, इसका भी हाई है सेवन पॉइंट फाइव इसी तरह हेमाटाइट है हमारे पास आयरन दिस और उसका भी फाइव से ज्यादा आता है सो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर क्योंकि हम इसको पहले एयर में फिर वाटर में तो ये इंडिकेट करता है अगर किसी का फोर है फाइव है वो चार गुना हैवियर है फॉर एग्जांपल कोई मेटल है में या कोई मिनरल क्योंकि हम मिनरल की बात करते हैं उसका फोर पॉइंट ज़ीरो आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू सो दैट मीनज़ वो मिनरल जो है क्योंकि हम वाटर के साथ वेट कंपेयर करते हैं तो वो फोर टाइम्स हैवियर है एज कम्पर टू दाटर हैवियर दैन वाटर क्योंकि हम रेशियो लेते हैं ओके okay, कंपेयर करते हैं वाटर के वेट के साथ सो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एक्चुअली अ नंबर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट इज़ एक्चुअली अ नंबर क्योंकि हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको फोर पॉइंट जीरो फोर पॉइंट फाइव फाइव टू पॉइंट फाइव जस्ट लाइक दैट सो इट रिप्रेजेंट इट्स अ नंबर एंड इट इज रेशो ऑफ द वेट ऑफ द मिनरल टू द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओके सो जैसे मैं कह रहा था क्योंकि ये कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा मेटल मिनरल्स की ज़्यादा वैल्यू आती है हाँ जो सिलिकेट्स हैं उनका कम आता है लाइक वाइज एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ओके क्योंकि एटम्स जो हैं मिनरल्स बनाते हैं फिर वही जो है एलिमेंट्स बनाते हैं ओके है, है, okay, या तो इनका जो एटॉमिक रेडिया होगा या तो वो हाई होगा ओके okay, या लार्जर होगा या स्मॉलर होगा ओके जो भी एटम्स एटॉमिक रेडियस जिनका हाई है मीन्स जो बड़े होते हैं बड़े साइज के होते हैं इन ए क्रूड वे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो जगह ज़्यादा होगी तो जो है डेंसिटी वो कम होगी इट शोज लेस डेंसिटी कम्पेयर जो छोटे छोटे हैं वहाँ पर जो है कंपेक्शन होगी एटम्स की ज़्यादा क्लोज क्लोज वो पैक होंगे So, इसलिए जो है स्मॉलर आयनिक रेडिया वाले जो हैं उनका हायर होता है और जो लार्जर या बिगर आयनिक रेडिये वाले ओके okay, या एटॉमिक रेडिया वाले मिनरल्स होते हैं उनसे बने होते हैं उनका जो है वैल्यू लो आता है ओके सो द मिनरल्स मेड अप ऑफ दिस स्मॉलर एटॉमिक रेडिया ओके दे आर हैविंग रिलेटिवली हायर वैल्यू ऑफ डेंसिटी और अदरस पैसिफिक ग्रेविटी एंड द मिनरल विच आर फॉर्मड ऑफ ग्रेटर एटामिक रेडिया लार्जर एटामिक रेडिया दे शो रिलेटिवलीसर डेंसिटी ओके ये आप याद रखेंगे सीधी सी बात है अगर हम दस आदमी इस तरह ले सकते हैं दस आदमी को एक हाल में हम लेंगे जो फिफ्टीन इन टू ट्वेंटी है ओके okay. तो वहाँ पर जो है वो दूर दूर बैठ सकते हैं बहुत सी गैप्स बीच में होंगे लेकिन अगर वही पंद्रह आदमी हम फाइव इंटू टेन वाले रूम में लेंगे तो वहाँ पर जो है उनको क्लोज़ क्लोज़ बैठना पड़ेगा या जब वो रोज़ में बैठेंगे तो स्पेस उनमें कम होगी कम्पैक्ट वहाँ पे होंगे जिस तरह ये हम कह सकते हैं जिस तरह रमज़ान में जो है बहुत सारे आदमी जो है या हर कोई नमाज पढ़ने आता है तो बहुत कम जगह होती है जब हम बैठते हैं मस्जिद में लेकिन वही अगर हम देखेंगे नाम रमजान बाकी महीनों में तो कुछ लोग होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जब वो आते हैं और वेट करते हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं उनमें गैप्स रह जाते हैं या अगर हम उनको अरेंज करेंगे किसी पर्टिकुलर मैनर में तो आप देखेंगे उनमें ज़्यादा गैप्स होगी सो so दैट मीनस वहाँ पर डेंसिटी जो है आदमी की कम होगी इसी तरह आप मिनरल्स की भी हम बात कर सकते हैं कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी इनकी कब हाई होगी कब लो होगी ओके डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन एंड ऐटामिक कॉन्स्टिट्यूशन सो दिस इज़ अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करेंगे सिंपली इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ मिनरल एंड दैट ऑफ वाटर एट दैट ऑफ वाटर विद इक्वल वॉल्यूम एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड ओके फोर डिग्री पे हाई पर हाइस डेंसिटी वाटर की होती है उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो है फ्रीज होना शुरू हो जाएगा जब जा जीरो डिग्री टेम्परेचर होगा तो एटम्स के दरमियान गैप बढ़ जाती है फिर वो लाइटर और बन जाता है फ्लोट करता है फिर आइस पे वाटर पे वो आइस सो सेंसट रेशो इट हैज़ नो यूनिट्स सो इट इज़ आल्सो टर्मड एज रिलेटिव डेंसिटी बिकॉज दो का हम कंपेयर करते हैं तोजना करते हैं तनासुब है ये सो इट प्राइमरी डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन एंड एटॉमिक